पानी कितना फास्ट आ रहा है नीचे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं जा रहा हूँ अभी, मेरे सरसों में रोग हो रहा है, मतलब बीमारी हो रही है सरसों में, मतलब कुछ मतलब वो फली आती है, फली जिसमें क्या कि सही तरीके से विकसित नहीं हो रही, तो उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ कोटड़ी। तो पहले दवाई लेके आते हैं, फिर बाद में दवाई छाटेंगे। गाइस, दवाई ले ली है, अब चलते हैं वापस घर पे। ये है भाई साहब 950 रुपये की दवाई, और ये 5 बीघे की दवाई है, और अब चलते हैं घर पे वापस। गाइस, घर पे आके चाय बना के वापस मैं घर खेत पे आ चुका हूँ। खेत पे आया तो फिर मतलब कुएं में पानी थोड़ा सा ही है, तो अभी जा रहा हूँ मोटर के पास। मोटर के पास जाके कुआ कितना पानी रहा है आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, कुआ बिल्कुल नीचे जा चुका है, और कुएं में जो शीरें आ रही है, देखो पानी कितना फास्ट आ रहा है नीचे, चारों तरफ से आ रहा है पानी। और गाइस, अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी सरसों में जो रोग हो रहा है ना, वो रोग कैसा रोग हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। और वो रोग मतलब जो ऊपर फली आती है, फली सरसों के, उसको आने नहीं दे रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा रोग है ना, मतलब इसको न तो आगे ग्रोथ होने दे रहा है इसकी, और बिल्कुल इसको यहाँ रोक दिया है, बिल्कुल पूरा ब्लैक ब्लैक मतलब हो गया है, पूरा पत्ता, पूरे टहना टहनी सब कुछ। और ये रोग इस पौधे में है, इसका मतलब ये आसपास के पौधे में भी ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये रोग के लक्षण होते हैं। और ये अभी पौधा हो रहा है ऐसा, अब ये भी होने लग गया, देखो इसके पास भी रोग आ चुका है, इसलिए मेरे को दवाई छिड़कनी पड़ेगी ज़रूर से ज़रूर। और इसमें भी होने लग गया देखो, इसीलिए ये अधिक से अधिक पौधों में ना जा पाए, ना फैल पाए ये रोग, इसलिए मेरे को दवाई छिड़कनी पड़ेगी जल्द से जल्द। और दवाई इतनी छिड़कनी पड़ेगी कि ये रोग फैले नहीं, और बिल्कुल सभी सरसों सभी फसल बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ होने लग जाए। अभी मैं दिखाता हूँ, इसके तो रोग हो नहीं रहा, लेकिन इसकी भी फलियाँ कम आ रही है। अब ये पौधा है, इसकी फलियाँ कम आ रही है, देखो ये रोग के लक्षण है, इसलिए कम आ रही है इसकी भी, ये फलियाँ आ रही हैं इनके, ये फूल आ रहे ना, ये फूलों की ये फलियाँ हैं सरसों के फूलों के, इसीलिए इसमें दवाई छिड़कना बहुत आवश्यक है, जल्द से जल्द दवाई छिड़कनी पड़ेगी इसमें। और वो दवाई मैंने मतलब कल लेके आया था ना, उसको अभी बना के और टंकी लेके आनी है, टंकी वो इलेक्ट्रिक लेके आऊँगा। इलेक्ट्रिक से क्या कि बार बार ऐसे मतलब वो डंडी आती है, डंडी को हिलाने के बाद प्रेशर आता है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक में डायरेक्ट प्रेशर आएगा, मोटर चलती है उसमें छोटी वाली। तो अभी मैं जा रहा हूँ वो टंकी लेके आके दवाई डाल के और उसको छिड़काव करते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि टंकी से दवाई कैसे छांटता हूँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर पे जाकर खाना वाना खाऊँगा, और बाद में आपका बता दूँ कि कैसे छींटते हैं दवाई। लेके आ गया हूँ गाइस, लेकिन ये टंकी चल नहीं रही है, ये टंकी न जाने क्यों चल नहीं रही है, ये इलेक्ट्रिक वाली है लेकिन ये ख़राब है, तो इसको ठीक करवाना पड़ेगा, पहले बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ये इसकी नली है, इसमें वो फुहारा लगता है, और ये चल नहीं रही है अभी, इसको चलाने के लिए तो देना पड़ेगा। टंकी दूसरों से मांग के लेके आया हूँ मैं, अंदर का सीन ये है इसका, और बाकी ये चल नहीं रही है, तो इसको भी लेके चलते हैं और इसको चार्जिंग कर लेते हैं, पहले चार्जिंग चला के देखते हैं चलती नहीं चलती। ये मैंने लगा दिया इसको चार्जिंग में, अब ऑन करता हूँ, देख रहा ना चल गई, देखो चार्जिंग में चल रही है, लेकिन पानी भी आ गया नीचे इसमें। और टंकी को ठीक करवाना अभी, तो टंकी को ठीक करवाने के लिए मिस्त्री के पास लेके जाऊँगा, मिस्त्री के पास आप
नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए देखोगे कि टंकी को कैसे ठीक करवाता हूँ और दवाई कैसे छींटता हूँ मैं। तो टंकी को ठीक करवाएंगे अभी। और गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।